वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लड़ीवाल टीवी। और हम लोग पढ़ रहे थे टू अ स्काईलार्क पोएम बाय पीबी शेली, जिसके हमने कुछ स्टेंजास पढ़ लिए थे। ये 21 स्टेंजास की पोएम है, तो कुछ स्टेंजा हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम उसके आगे के स्टेंजा कंप्लीट करेंगे। कोरस हिमनरल और ट्रिम्फल चैंट मैच्ड विद द दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वॉन्ट अ थिंग वेयर वी फील देयर इज सम हिडन वॉन्ट। पोएट कहता है कोरस हिमनरल यानी कि वैवाहिक संगीत हो, कोरस हिमनरल यानी वैवाहिक संगीत हो, या फिर ट्रम्फरल चैंट हो, या फिर मतलब युद्ध की जीत का में बजने वाला संगीत हो। मैच्ड विद थाइन वुड बी ऑल, ये सारी चीजें थिन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वॉन्ट, केवल एक शेकी है। मतलब कहता है कि ये जो संगीत है वो केवल एक शेखी के समान है, वो कुछ भी नहीं है। ए थिंग वेयर वी फील देयर इज सम हिडन वॉन्ट, और जो चीज हम फील करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मतलब हिडन वॉन्ट यानी कि कुछ ना कुछ तथ्य छुपे हुए होते हैं। यानी कि पोइट कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो विवाह में बजने वाला संगीत या जीत में बजने वाला संगीत जो होता है वो केवल एक मिथ्या है, एक शेखी है, लेकिन असली जो संगीत है वो तो स्काईलार्क का है जो कि हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ हैप्पी स्ट्रेन, व्हाट फील्ड्स ऑफ वेव्स और माउंटेन्स, व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन। वो कहता है कि उस पक्षी का क्या शेप है सॉरी वो कहता है उस पक्षी का क्या शेप है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाउंटेन ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, उसकी प्रसन्नता का क्या राज है, व्हाट फील्ड्स वेव्स और माउंटेन्स, क्या वो उसकी प्रसन्नता का राज वो मैदान है, वो झाड़ वो लहरें हैं, वो माउंटेन्स हैं, व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, क्या फिर आकाश या फिर मैदान है, पृथ्वी है, उसकी प्रसन्नता का राज क्या है, व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, क्या वो उसका अपना स्वयं का प्रेम है, व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, कि वो इस प्रकार दर्द से विमुक्त है। यानी कि वो जानना चाहता है कि स्काईलार्क पक्षी जो कि हमेशा गाता रहता है, संगीत में मग्न रहता है, तो उसकी जो खुशी है उसका राज क्या है, कि वो लगातार संगीत गाता जा रहा है, उसे कोई भी दुख नहीं है। तो जो पोइट है वो कयास लगा रहा है कि क्या उसकी जो खुशी का राज कहीं ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो तो नहीं है। नेक्स्ट है, विद दाई क्लियर कीन जॉइंस लाफ्टर कैन नॉट बी शेडो ऑफ एनोयंस नेवर केम नियर दी दो लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड सैटिनिटी विद दाई क्लियर कीन जॉइंस लैंगूर कैन नॉट बी शेडो ऑफ एनोयंस विद दाई क्लियर कीन जॉइंस। और वो कहते हैं कि जो स्काईलार्क पक्षी है लैंगूर कैन नॉट बी शेडो ऑफ एनोयंस, वो कभी भी लैंगूर यानी कि कभी भी चिड़चिड़ा नहीं होता, शेडो ऑफ एनोयंस कभी भी उसको चिड़ नहीं आती, नेवर कम नियर दी और दो लवेस्ट, और वो मतलब कभी भी अपने प्यार करने वालों से कभी भी रूठता नहीं है, बट नेवर न्यू लव सैड सैनिटी, और ना ही वो किसी प्रेम की दुखांत को जानता है। मतलब जो स्काईलार्क पक्षी है वो सारी दुनिया से अलग है और वो किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ से उन्मुक्त नहीं है, यानी कि वो हमेशा अपने संगीत में ही मग्न रहता है और उसे किसी भी चीज़ का कोई कोई अभिलाषा नहीं बची है। वेकिंग और असलीप दो ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल्स ड्रीम और हाउ वुड कुड दाई नोट्स फ्लो इज सच क्रिस्टल स्ट्रीम। वेकिंग और असलीप, पोइट कहता है वो जागते सोते सिर्फ गीत ही गाता है। दो ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, वह मृत्यु के सच को भी जानता है, उसके लिए चीजें साफ और स्पष्ट हैं। डोन देन द मोर्टल ड्रीम्स और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच क्रिस्टल स्ट्रीम, कि लेकिन जो आम व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, वो इस बात को नहीं जान सकते। सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम, मतलब वो लोग हमेशा ही उस भय में जीते रहते हैं। लेकिन स्काईलार्क पक्षी जो होता है वो केवल अपने संगीत पर ही ध्यान देता है, उसे मालूम है कि मृत्यु आने वाली आ जाएगी, किसी दिन आने वाली है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो प्रेरणा है कि स्रोत है उसको नहीं छोड़ रहा है और वो जितना जीवन है उसका आनंद ले रहा है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट आवर सिंसियर लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट और स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम लोग आगे पीछे देखते रहते हैं, मतलब
भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहते हैं एंड फाइंड और व्हाट इज नॉट, और जो हमें नहीं मिल सकता हम उसको उसको लेके हमेशा कल्पनाएं करते रहते हैं। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, और हमारा मतलब हम अपने जीवन के कुछ असीम लम्हों को इन चीज़ों में भुला देते हैं। विद सम पेन इज फ्रॉट, और हमेशा दुखांत यानी दुख में ही जीते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट, और ये जो पक्षी है स्काइला पक्षी जो है इसको कभी भी जीवन के इन प्रकार की चीज़ों को लेके कभी भी कोई दुख नहीं है, वो केवल अपने संगीत को गा रहा है, उसकी सैडेस्ट थॉट नहीं है, मतलब कोई कोई भी उसकी थॉट ही नहीं है जिससे कि वो दुखी हो या आनंदित हो। येट इफ़ वी कुड स्कॉन हेट एंड प्राइड एंड फियर, इफ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, आई नो नॉट व्हाट दाई जॉय वी नेवर शुड कम नियर। इफ येट येट इफ वी कुड स्कॉन हेट एंड प्राइड एंड फियर, भले ही हम उसको स्कॉन करें, डांटें, फटकारें, घृणा करें या फिर घमंड करें या फिर डरे, इफ़ वी थिंग्स बॉर्न, इफ वी वर थिंग्स बॉर्न, ये चीज़ें तो मनुष्य में होती हैं। नॉट टू शेड ए टीयर, लेकिन स्काईलार्क इन चीज़ों में कभी भी आंसरू नहीं पाता। आई नो नॉट हाउ द जॉय वी नेवर कुड कम नियर, उसके जो आनंद है उस आनंद के समीप तो हम जा भी नहीं सकते। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स प्रेस ऑफ लव एंड वाइन, सॉरी दैट इन बुक्स आर फाउंड, दे स्किल नो टू पोएट वर सम सोर्स ऑफ द ग्राउंड। बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, पोइट कहता है कि उसका जो संगीत है वो किसी भी प्रकार के संगीत आवाज से अच्छा है। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, वो कहता है कि उसका जो संगीत है बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, किसी खजाने से भी ज़्यादा अच्छा है। देन इन बुक्स आर फाउंड, उसके जो संगीत है वो किताबों में नहीं पाया जा सकता। द स्किल टू पोएट वर्ड दो स्कॉनर टू द ग्राउंड, और उसका जो स्किल है वो पोइट को बहुत पसंद आता है, और वो कहता है दो स्कॉनर ऑफ द ग्राउंड, वो पृथ्वी पर नहीं आना चाहता क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा दुख है। टीच मी हाफ दाई द ग्लैडनेस दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हारमोनीज मेडेंस फ्रॉम दाई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम ए लिसनिंग नाउ। पोइट फिर आगे कहता है कि हे स्काईलार्क पक्षी, मुझे भी बताओ तुम्हारी प्रसन्नता का राज, दैट द ब्रेन मस्ट नो, जिससे कि मेरा दिमाग भी इस बात को जान सके, सच हारमोनीज मेडनेस फ्रॉम दाई लिप्स वुड फ्लो, कि मेरा मतलब मेरी भी मैं भी तुम जो गीत गाते हो उस गीत को गाने में जो तुम प्रसन्न होते हो प्रसन्नता का राज वो दुनिया को बताना चाहता है। द वर्ल्ड शुड लिसन देन, जिससे कि संसार सुने उसकी आवाज़ को जिस प्रकार मैं सुन रहा हूँ, मतलब वो स्काईलार्क पक्षी जिस प्रकार पूरे वर्ल्ड को स्काईलार्क पक्षी जिस प्रकार पूरे वर्ल्ड को अपनी आवाज़ सुना रहा है, उसी प्रकार पोइट भी चाहता है कि जो स्काईलार्क पक्षी कि जो खुशी का राज है वो भी दुनिया जाने, जिससे कि लोग खुश होकर और उसके संगीत के पीछे का मतलब समझकर उसकी संगीत को सुने। तो गाइस आज हमने कंप्लीट करी है टू ए स्काईलार्क बाय पीवी शैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है फॉर एल्टीग्रेट। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।